हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। अज आपां गल करन जा रहे हां स्वामी जी महाराज जी दे बारे, जिन्हां दी बाणी डेरा ब्यास विच लई जांदी है। सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिन्हां नूं प्यार नाल स्वामी जी कहा जांदा है। स्वामी जी राधा स्वामी संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रारंभ करने वाले पहले गुरु थे। उनका जन्म नाम सेठ शिवदयाल सिंह था। उनका जन्म 25 अगस्त 1818 में आगरा उत्तर प्रदेश भारत में जन्माष्टमी के दिन हुआ। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी और माताजी का नाम माता महामाया जी था। 5 वर्ष की आयु में उन्हें पाठशाला भेजा गया, जहां उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत और गुरमुखी सीखी। उन्होंने अरबी और संस्कृत भाषा का भी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त किया। उनके माता पिता हाथरस भारत के संत तुलसी साहब के अनुयायी थे। आपके दो भाई सेठ प्रताप सिंह जी और सेठ राय विद्राबन जी थे, जो कि आपसे उम्र में छोटे थे। छोटी आयु में ही इनका विवाह फरीदाबाद के हाला इज्जत राय की पुत्री हरायणी देवी, जिनको माता राधा जी भी कहा जाता है, से हुआ। सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज स्कूल से ही बांदा में एक सरकारी कार्यालय के लिए फारसी के विशेषज्ञ के तौर पर चुने गए। वह नौकरी उन्हें रास नहीं आई। उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और वल्लभगढ़ एस्टेट के तालुका में फारसी अध्यापक की नौकरी कर ली। उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। वे अपना समस्त समय धार्मिक कार्यों में लगाने के लिए घर लौट आए। उन्होंने 5 वर्ष की आयु से ही सुरत शब्द योग का साधन किया। 1861 में उन्होंने वसंत पंचमी के दिन सत्संग आम लोगों के लिए जारी किया। स्वामी जी महाराज ने अपने दर्शन का नाम सतनाम अनामी रखा। इसको राधा स्वामी के नाम से जाना गया। राधा का अर्थ सुरत और स्वामी का अर्थ आदि शब्द या मालिक। इस प्रकार अर्थ हुआ सुरत का आदि शब्द या मालिक से मिल जाना। स्वामी जी महाराज द्वारा सिखाई गई यौगिक पद्धति सुरत शब्द योग के तौर पर जानी जाती है। स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म और सच्चे नाम का भेद वर्णित किया है। उन्होंने सार वचन पुस्तक को 2 भागों में लिखा, जिनका नाम है सार वचन वार्तिक, सार वचन छंदबंध। सार वचन वार्तिक में स्वामी जी महाराज के सत्संग हैं, जो उन्होंने 1878 तक दिए। इनमें इस मत की महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। सार वचन छंदबंध में उनके पद्य की भावनात्मक पहुँच बहुत गहरी है, जो उत्तर भारत की प्रमुख भाषाओं यथा खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, राजस्थानी और पंजाबी आदि विभिन्न भाषाओं की पद्यात्मक अभिव्यक्तियों का सफल और मिलाजुला रूप है। उनका निधन जून 15, 1878 को आगरा भारत में हुआ। उनकी समाधि दयालबाग आगरा में बनाई गई है, जो एक भव्य भवन के रूप में है। स्वामी जी महाराज ने बाबा जयमल सिंह जी महाराज को पंजाब के लिए, हजूर राय सालिग्राम जी और माता राधा जी को आगरा के लिए तथा बाबा गरीबदास जी को दिल्ली के लिए अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सुरत शब्द योग एक आंतरिक साधन या अभ्यास है, जो संत मत और अन्य संबंधित आध्यात्मिक परंपराओं में अपनाई जाने वाली योग पद्धति है। संस्कृत में सुरत का अर्थ आत्मा, शब्द का अर्थ ध्वनि और योग का अर्थ जुड़ना है। इसी शब्द को ध्वनि की धारा या श्रव्य जीवन धारा कहते हैं। शरीर में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बोध भान होते हैं। इनसे अलग एक और तत्व है, जो इन सब का साक्षी है, जिसे सुरत चेतन तत्व, चेतना या चेतनता कहा गया है। षष्ठी क्रम में वही सुरत क्रमश शब्द प्रकाश मन और शरीर में आ जाती है। सुरत का सहज और स्वाभाविक तरीके से इसी मार्ग से लौट जाना सुरत शब्द योग का विषय और प्रयोजन है। सुरत को परम तत्व भी कहा गया है। जीवन के रचनाक्रम में हिलोर पैदा होने पर सुरत और शब्द दो हस्तियां बन जाती हैं और जीवन का खेल प्रारंभ होता है। सुरत में शब्द यानी कि ध्वनि की ओर आकर्षित होने का स्वाभाविक गुण है। यह सुरत शब्द योग का आधार सिद्धांत है। कहते हैं कि राय बहादुर सालिग्राम जी ने इस मत को राधा स्वामी नाम दिया था और स्वामी जी महाराज जी ने मंजूरी दी। एक नाम रखना था सो रख दिया, लेकिन ये वही चीज है जो आज जुगा से चलती आई है, मुक्ति का मार्ग। राधा स्वामी सिर्फ परमात्मा का नाम है, जो प्यार में आके रखा गया है स्वामी जी को याद करके, जैसे अन्य परमात्मा के नाम। स्वामी जी महाराज ने अपने उपदेशों में कहा है, अपनी शिक्षाओं में, कि जितनी भी ये सांसारिक कट्टर नीतियां हैं, ढोंग, आडंबर, पाखंड और बाहरमुखी साधन, इन सब से ख्याल निकालकर हमें एक पूरे गुरु की शरण हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें इस मार्ग का भेद बता सकता है। वही हमें उस परमात्मा तक ले जा सकता है जो वहां तक पहुंचा हुआ हो, पूर्ण गुरु, जो हमें सही रास्ते में लगाए। परमात्मा हमारे अंदर है और अंदर का रास्ता हमें एक गुरु ही बता सकता है। उन्होंने हमें अंतर्मुख होने को कहा है। उनकी शिक्षा अंतर्मुख होने की है, कि जब तक हम अंतर्मुख नहीं होते, हमारी वो अवस्था नहीं होती, हम गहराई में नहीं जाते,
अब तक हम उस परमात्मा के भेद को समझ नहीं सकते, इस सृष्टि के भेद को समझ नहीं सकते। इसलिए हमें एक गहराई में उतरना पड़ेगा। बाहरी जो तीर्थ हैं, धर्म स्थान, इनमें रब नहीं बसता। जो कुदरती तीर्थ है वो हमारा शरीर है, तो इसके अंदर जाने की कोशिश करें। स्वामी जी महाराज ने अपनी बाणी धुन सुनकर मन समझाई में बताया है कि वो धुन जो परमात्मा की दरगाह में से आ रही है, उस धुन में इतनी लज्जत है कि ये मन जो रंग तमाशों का, इंद्रियों का आशिक हुआ पड़ा है, ये जब उसको सुनता है तो उसकी धुन में मगन हो जाता है। इसको उसमें इतना रस आता है कि ये और दुनिया के रंग तमाशे, इंद्रियों के सुख भूल जाता है, ये सब उसके आगे फीका पड़ जाता है। उस धुन में इतनी मिठास है, इतनी लज्जत कि जिसने भी उसको चखा है उसने फिर पीछे मुड़के नहीं देखा। और वो धुन ही हमारी सूरत को पकड़ के हमें उस परमात्मा तक ले जाती है। वो एक परमात्मा, वो शब्द, वो नाम। और ये होता कैसे है तो आप समझा रहे हैं कि पूरे गुरु की बख्शी से, पूर्ण गुरु, एक सदगुरु, जो अपनी दया मेहर से और हमारी मेहनत से हमें अपने में समा लेता है, हमें वहाँ तक ले जाता है और अपने जैसा बना लेता है। हम जितने भी लाख उपाय कर लें, ये मन कभी नहीं मानेगा। कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। उस धुन को सुनकर ही मन समझ जाता है। आपने कई जगह अपनी वाणियों में कुछ अंदर के रूहानी मंजिलों का भी दृष्टांत दिया है, और कई जगह आपने चेतावनी के शब्द भी लिखे हैं, और कई जगह फरियाद के शब्द, पुकार के शब्द, विनती के शब्द, ताकि इंसान समझ सके। आपने कुछ कठोर शब्द भी वरते हैं ताकि हमारी तवज्जो उन तक पहुंचे कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। जग में घोर अंधेरा पारी तन में तम का भंडारा। और अंत में सार वचन में स्वामी जी महाराज ने ये भी फरमाया है कि ये सब उन्हीं को बताना जिनको कदर हो, जो एक सच्चा जिज्ञासु हो, जो इस सृष्टि का भेद जानना चाहता हो। ये हरेक के लिए नहीं है, वही पाएगा जो मेहनत करेगा, जो कदर करेगा। कहाँ लग भरनू वेद अगादा, जो कोई लावे सुन समाधा, समझ बूझ गूंगे गुड़खाई, समझ बूझ गूंगे गुड़खाई। जीव अनजान भया परदेसी देश बिसर गया निज सा।